Continuing the discussion on ethical principles and guidelines in cross cultural research. We had already discussed that there are some guidelines that we follow for research, whether it is cross cultural or local, whether it is experiment or survey or observation. So, let us look at when we conduct research in cross cultural, on cross cultural samples in cross cultural psychology, how do those ethical principles apply? Ethics is basically a, a branch of philosophy which deals with the conduct of right and wrong, about moral judgments and moral problems. Now, when we evaluate someone's conduct or actions, as right or wrong, we assign them labels or judgments such as this is right or this is wrong, this is good or this is bad. but when we assign these labels, we assign them according to a socially constructed, a socially accepted guideline. and because societies and social cultures are different, so we have to think,

मार्क ट्वेन ने कहा था ऑलवेज डू राइट इससे कुछ लोग खुश होंगे और कुछ लोग बाकी के जो हैं वो एस्ट्रॉनिश हो जाएंगे या परेशान हो जाएंगे ए पी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का जो पब्लिकेशन है एथिकल प्रिंसिपल्स की फॉर साइकोलॉजिस्ट एंड कोड ऑफ कंडक्ट ये 2017 में फिर हुआ होता रहता है इसका बेसिक जो प्रिंसिपल है वो ये है ऑल साइकोलोजिस्ट मस्ट ट्राई टू बेनिफिट दोज विध होम दे डू द रिसर्च एंड अवॉयड डूइंग एनी हार्म अब ये देखना है कि ये हार्म कैसे हो सकता है और बेनिफिट कैसे हो सकता है दिस आई हैव कॉपिड एज इट इज फ्राम द स्टैंडर्ड मैन्यल जनरल प्रिंसिपल हैं बेनिफिसेंस एंड नॉन मेनिफिशेंस विट मीन्स बेनिफिट करना है और कोई नुकसान नहीं पहुँचा अब उसमें आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी नुकसान पहुंच सकता है और उन्हें भी फ़ायदा हो सकता है साइंस को भी फायदा हो सकता है कम्युनिटी को फ़ायदा भी हो सकता है और कम्युनिटी को कोई हार्म भी हो सकता है इससे प्रोटेक्ट करने के लिए तमाम असूल बने हैं इस हार्म से प्रोटेक्ट करने के लिए उनको कोई ऐसी कंडीशन में ना डाला जाए उनके ऊपर कोई ऐसी ज़बरदस्ती ना की जाए अपनी मर्जी से वो लें और जो कुछ वो हमें बताएं वो हम अपने पास महफूज रखें फिडेलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप जो प्रोफेशनल कम्युनिटी है उसके साथ ऑनेस्ट हैं और सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी रखते हैं सोसाइटी के लिए वफादारी से और बहुत ईमानदारी से उस डेटा को और उस रिसर्च को किया जाता है और संभाला जाता है इंटेग्रिटी दैट सिंपली मीन्स बींग ऑनेस्ट जो आप कह रहे हैं आपने वही किया और जो लोगों को बता रहे हैं वही आप कर रहे हैं ईमानदारी से ताकि तमाम लोग जो हैं वो जस्टिस के प्रिंसिपल पर कायम रहें लोगों को ट्रस्ट करना है हमने तो ये यही जस्टिस का तरीका इंसाफ का लोगों की जो हकूक़ हैं और उनका जो एहतराम है उनके जो राइट्स हैं और जो डिग्निटी है उसको सेफ़ करना है उनकी प्राइवेसी को उनकी कॉन्फिडेंशलिटी को कॉन्फिडेंशलिटी का मतलब ये है कि ये जो डेटा है ये खुफिया रखा जाएगा अब ये जो इंफॉर्म्ड कंसेंट एंड कॉन्फिडेंशलिटी है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम क्रॉस कल्चरल रिसर्च की बात करते हैं क्यों हो जाते हैं हार्म के हवाले से नुकसान के हवाले से डू नो हार्म रिस्पेक्ट ऑटोनमी यानी उनकी आज़ादी इंसाफ से काम लें फेथफुल रहें अपने डाटा अपनी रिसर्च और अपने पार्टिसिपेंट से उनको रिस्पेक्ट दें उनको फ़ायदा पहुंचाने का सोचें एक्सीलेंट रिसर्च करें बेहतरीन तरीके से काम करें और अकाउंटेबल हों के जो आपने किया है वो सबको नज़र आ रहा है और कोई भी उसका हिसाब किताब ले सकता है और बहादुरी से काम लें जहाँ सच बोल रहे वहाँ सच बोलें कुछ बातें याद रखनी है कुछ कल्चर्स में कंसेंट घर की औरतें नहीं देती बल्कि उनको अपने घर के हेड ऑफ़ द फैमिली जो मर्द है उससे पूछना होता है जबकि कुछ कल्चर्स में ऐसा नहीं है तो आप जब कल्चर्स को कंपेयर करें तो ये याद रखें कि वो ख़ुद कंसेंट दे रही हैं कोई और उनकी जगह दे रहा है फिर लैंग्वेज और मीनिंग के बैरियर्स हैं आपने जो डॉक्यूमेंट बनाई है वो कितनी भी क्लियर हो क्या वो वाकई लोगों को समझ आ रही है क्या ये पॉसिबल है कि जो आप लिख रहे हैं वो एक नॉन वेस्टर्न कल्चर का या एक कम पढ़े लिखे सब कल्चर का इंसान उसी तरह समझेगा जो कुछ आपने लिखा है और उसके जो मतलब कॉमेटिव लिमिटेशंस हैं कुछ लोगों को ज़बान नहीं आती कुछ लोगों को उस तरह की जबान जो सरकारी किस्म की एक ख़ास एकेडमिक है लिखी गई है वो नहीं समझ आएगी जब आप उनको कंसेंट का फॉर्म देंगे कि ये सवाल है मैं एग्री करता हूँ मैं इसके जवाब दूँगा वगैरह वगैरह फिर अगर किसी कल्चर में डाटा आपने नहीं लिया बल्कि किसी रिलीजस ऑफिशल ने लिया है जैसे चर्च के लोग होते हैं या मस्जिद के इमाम हैं उन्होंने कहा मैं कर देता हूँ क्योंकि लोगों से आपकी मुलाकात नहीं होनी गवर्नमेंट के एजेंट्स ने लिया है कोई फैमिली मेम्बर्स ने लिया है तो ऐसा तो नहीं है कि वो इस डेटा को इस तरह इस्तेमाल करें जिससे जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी वेलफेयर पे जर पाए वो अपने बारे में कुछ ज़ाती इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और वो डेटा वो लोग जो कि इकट्ठा कर रहे हैं वो उसको उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें उनकी वेलबिंग well उनकी खुशहाली पे असरअंदाज हो तो ये जो चार बातें हैं इजाज़त लेना उनको ये बताना कि आप जब चाहें ये रिसर्च छोड़ के अलग हो सकते हैं इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है ये विलिंग और वॉल्ट्री रिसर्च है आपका बातें खुफिया रखी जाएंगी और आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा कोई आपको हर हाल में इस रिसर्च में आपके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा कोई चीज़ जो नहीं ग्रां गुज़रती है उसको हम नोट करेंगे और उनको इजाज़त देंगे कि या तो वो छोड़ दें और या वो उसको आ, उस रिसर्च से निकल जाएँ या उनको हम काउंसलिंग प्रोवाइड करें कुछ और बातें डेटा को प्रोटेक्ट करना संभाल के रखना हर मुल्क उसको एक जैसी हिफाजत नहीं करता एक बहुत अच्छा पॉइंट है एक रिसर्चर का जस्ट बिकॉज अ क्वेश्चन कैन बी आस डज नॉट मीन इट शुड बी आस और ये मेट्सु मोटो ने कहा हुआ है जो एक जैपनीज रिसर्चर हैं और ये मैंने इसलिए उनकी रेफरेंस दे दी है कुछ मुल्कों में ह्यूमन राइट्स इश्यूज होते हैं लोगों को बुनियादी आज़ादी नहीं होती उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही होती हैं उनकी सुनवाई नहीं उनके लीगल राइट्स नहीं हैं तो उस सूरत में आप किस तरह उन कल्चर्स में डाटा इकट्ठा करते हैं और किन असूलों को मलहू खाते रखते हैं फिर क्या आपकी मैथडोलॉजी कल्चरली सेंसिटिव है ऑब्ज़र्वेशन है मसला कुछ पर्दे वाले कल्चर हैं आप ऑब्ज़र्व करने की इजाज़त लेंगे और अगर नहीं लेंगे तब भी गलती और अगर लेंगे तो उनके लिए कल्चरली मामला है मुश्किल तो पार्टिसिपेंट्स को अगर आप उनके कल्चर का एहतराम नहीं करते तो आप अपने पार्टिसिपेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे फिर कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं जो कुछ कल्चर्स में छेड़े नहीं जा सकते और हम जब कल्चर के बारे में कोई नज़रिया कायम कर चुके होते हैं तो हम उसके हिसाब से मेथोडोलोजी में वही साबित कर रहे होते हैं तो उस कल्चर के बारे में जो एक लगे बंधे नज़रियात हैं स्टीरियोटाइप जिन्हें हम कहते हैं हम उनको प्रमोट कर रहे होते हैं तो ये भी पॉइंट्स हैं जो एथिकली देखने की जरूरत है क्रॉस कल्चरल रिसर्च में